ट्रांसपोज निकालना हो तो ये हो जाता है ए का बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज, अर्थात दोनों के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट रिवर्स हो जाता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन राइज किस तरह करेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि ए दिया हो, एक और प्रॉपर्टीज है वो मैं बता देता हूं उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज है, यदि कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ हो और उसका पुनः फिर से अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो वह एक मैट्रिक्स ही हो जाता है। कैसे देख लेते हैं, जैसे कि हमने निकाला था 1 2 और क्या लिया था 3 4 लिया था, इसका ट्रांसपोज निकाले तो ये हो गया था 1 2 और ये 3 और कितना 4। सपोज करिए कि इसका फिर से हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा देख लेते हैं, ए के ट्रांसपोज का फिर से क्या लिख दे ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज फिर इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 3 उसके बाद ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ऑब्जर्व करिए तो ये और ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होता है ए हो जाता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है? कहता है अब क्वेश्चन हमें किस तरह से राइज करेगा सो देखते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा सपोज करिए कि ए प्लस 2b का ट्रांसपोज ज्ञात करें, तो पहले क्या करेंगे हम लोग मैट्रिक्स b को कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद उसमें क्या ऐड कर देंगे a ऐड कर देंगे, और a ऐड करने के बाद उसका क्या करेंगे ट्रांसपोज निकाल लेंगे। फिर क्वेश्चन इस तरह राइज करेगा, कहेगा कि दिखाइए कि कोई मैट्रिक्स a बराबर कुछ दे दिया सपोज करिए, फिर b मैट्रिक्स कुछ दे दिया, ठीक है, उसके बाद आपसे कहेगा कि a प्लस b का होल ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज ज्ञात करें। तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा कि a प्लस क्या निकाल लेंगे, पहले b निकाल लेंगे, फिर उसका क्या निकाल लेंगे ट्रांसपोज, वो हमारा क्या होगा LHS होगा, क्या होगा हमारा LHS होगा, उसके बाद RHS के लिए A का ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर किसका ट्रांसपोज निकालेंगे B का ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ऐड करने के बाद हम लोग देखेंगे कि LHS का जो वैल्यू होगा वो हमारे किसके बराबर होगा RHS के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? फिर कभी कभी क्वेश्चन क्या दे देता है कि ए का ट्रांसपोज बराबर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स दे देगा, ये तो समझ रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो ये दे दिया और कोई मैट्रिक्स सपोज करिए बी दे दिया, वो कह दिया 1 5 7 और कितना दे दिया 9 दे दिया, कोई दिक्कत? अब कह रहा है क्या हुआ, कहेगा क्या कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि यहां पर ए कहां से मैं लाऊं, तो ये प्रॉपर्टीज पर है ना जी कि ए का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा, ये ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है ना, इसका फिर से एक बार ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 और 5 हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे ए बोल देंगे। अब क्या करेंगे कि ये मैट्रिक्स ए को किसके साथ जोड़ देंगे बी के साथ जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा ए प्लस बी कहलाएगा। उसके बाद क्या करेंगे उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ से देख लेते हैं ए प्लस क्या निकाल लेना है बी, तो ए हमारे पास अवेलेबल है और क्या है बी अवेलेबल है, तो एल एच एस के लिए ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं ए का वैल्यू लिखते हैं बाबू 2 4 3 और कितना 5 हो जाएगा, प्लस बी का वैल्यू लिखेंगे 1 5 7 9 हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 9 10 14 हो जाएगा, ये हमारा क्या निकला ए प्लस बी निकला। अब हमें क्या चाहिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ए प्लस बी का
ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो ये जो है रोआ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में, तो ये हमें प्राप्त होगा बाबू 3, 9, 10 और 13 आ जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग आरएचएस में देख लेंगे, क्या आरएचएस नहीं, तो आरएचएस में सबसे पहले ए का ट्रांसपोज चाहिए, वो हमें यहां पर दिया हुआ है ही नहीं, अब क्या चाहिए बी का ट्रांसपोज, तो हम लोग बी का क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, 5, 7 और 9 हो जाएगा। अब निकालते हैं क्या है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, लिखते हैं ए का ट्रांसपोज आपके पास है 2, 3, 4, 5 प्लस बी का ट्रांसपोज 1, 7, 5, 9। अब दोनों को ऐड करके देखते हैं तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो देखिएगा बुआ ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 14। अब देखेंगे ऑब्जर्व करिए तो क्या आपका ये और ये मिल रहा है ना, अर्थात क्या हो गया ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो मेरे ख्याल से तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज में आते हैं तो आप लोगों से बन सकता है ना। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी का देखते हैं तो वो हमारा होगा इस, अब देखेंगे एक का टोटल हो जाएगा 2 हो जाना चाहिए, 3, 4, 5 और 5 तक बन जाना चाहिए, उसके बाद पहले इसको लिखिए आप लोग और फिर आगे बढ़ते हैं।